और सभी सभी शिक्षक योग्य बनने के पात्र हैं, क्योंकि सभी ने पात्रता परीक्षा पास की है और 7 साल में एक भी बार बहाली के लिए कोई भी रास्ता नहीं खुला है सरकार की तरफ से। हमेशा से सरकार एक भी नियुक्ति नहीं कर पा रही। क्या आप शिक्षक नियुक्ति कीजिए, शिक्षक नियुक्ति कीजिए, शिक्षक नियुक्ति अभी तक नहीं हो रही है। ये सरकार के लिए शर्मिंदगी वाली बात है कि सरकार शिक्षक सड़कों पर है और वो चैन से अपने ऐशोआराम की जिंदगी जी रहे हैं। आप गौर करें, जितनी भी नियुक्तियाँ हो रही है सरकार को न्यायालय के आदेश से कर रही है। तो इनका कहना था कि हम 5 लाख बहाली 1 साल के अंदर करेंगे, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हो रही है। मैं हूँ श्रुति परमा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुरानी विधानसभा ग्राउंड में, जहाँ पर पारा शिक्षकों को फिर से एक बार सड़क पर उतरना पड़ रहा है और त्राही माम यात्रा निकाल रहे हैं पारा शिक्षकों की ओर से, और आज जाकर के शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव भी करने वाले हैं। तो आइए जुड़ते हैं यहाँ के लोगों के साथ, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ मामला है और क्यों जाकर वो आज त्राही माम यात्रा लेकर के सड़कों पर उतर चुके हैं फिर से पारा शिक्षक। तो आज जो त्राही माम यात्रा लेकर के आप सड़क पर फिर से उतर गई हैं, क्या कुछ मामला है? देखिए, हमारे साथ ये मामला है कि 2016 में हम लोग जेटेट पास किए हैं आज, और 7 साल कंप्लीट हो चुका है और 7 साल में एक भी बार बहाली के लिए कोई भी रास्ता नहीं खुला है सरकार की तरफ से। क्योंकि लेकिन जब JMM सरकार आई थी तो इनका कहना था कि हम 5 लाख बहाली 1 साल के अंदर करेंगे, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हो रही है। सीधा 2012 की नियुक्ति नियमावली के तहत हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, 2016 को उसी नियमावली से दिया था 2012 से, तो सिर्फ 12 की नियुक्ति नियमावली से हम लोगों को सीधी बहाली चाहिए, हमारी यही मांग है। और हम लोग परेशान हाल है, सारे का एज लैप्स कर रहा है, सारे 40 से पार है, जेटेट पास पारा टीचर भी है और गैर पारा भी है। तो कहीं ना कहीं आप आज शिक्षा मंत्री के आवास को भी घेराव करने जा रहे हैं, तो क्या आप लोग घेराव करने जा रहे हैं या फिर अपनी वेतन को वहाँ पर बात से सुलझाने जा रहे हैं? देखिए, हम लोग बार बार शिक्षा मंत्री के आवास जा चुके हैं, आज तक में बहुत बार हमारे जो हमारे नेतागण हैं वो लोग गए हैं, हम लोग गए हैं, वहाँ पे भी आवास के बाहर भी हम लोग धरना दिए हैं, लेकिन कभी भी हर बार टाल टाल के मामले को ख़त्म कर देते हैं और बोलते हैं कभी आचार्य बहाली करेंगे, कभी पारा टीचर लेंगे, तो कभी सहायक शिक्षक लेंगे। शिक्षा मंत्री का खुद माइंड काम नहीं करता और वो बार बार चेंज करते रहते हैं, नियमावली बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, वैसे बनाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता। सिर्फ मैं नहीं, यहाँ कुछ विद्यार्थी ही नहीं, पूरे झारखंड राज्य के सभी जिलों से, 2400 जिलों से सभी लोग आए हैं और सभी सभी शिक्षक योग्य बनने के पात्र हैं, क्योंकि सभी ने पात्रता परीक्षा पास की है। हम इसमें पारा नन पारा सभी मिलकर हम लोग आए हैं और आज ये त्राही माम यात्रा निकाले हैं। त्राही माम शायद सरकार त्राही माम अर्थ के महत्व को समझे, अर्थ को समझे, तो वो हम लोगों को अब सड़कों से उठाकर विद्यालयों तक पहुँचाए, चूँकि हम लोग 2016 के ही पास हैं और 7 सालों से हम लोग सिर्फ सड़कों पे हैं। सड़कों पे नहीं, हम लोगों को विद्यालय में होनी चाहिए, जो हमारे देश के भविष्य बच्चे हैं उसके आधार स्तंभ होते हैं शिक्षक। शिक्षक समाज को बनाते हैं, विद्यार्थियों के भविष्य सुधारते हैं। आज आप लंबी चौड़ी व्यवस्थाएं कर लें, पूरे स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहर बना लें, ये कैसे बनेंगे? अगर शिक्षक बच्चों को नहीं बनाएंगे तो यहाँ स्मार्टनेस नहीं रह जाएगी। इसलिए और सरकार ने कई बार अपनी वादा खिलाफी सरकार खुद करती आई है, कभी आश्वासन सिर्फ हम लोगों को मिल रहा है। 2020 में भी हम लोगों का आमरण अनशन था, तब भी हम लोगों को आश्वासन देकर हम लोगों का अनशन तोड़वाया गया था। उसके बाद से सरकार अभी तक सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को आश्वासन दिए जा रही है और आज की वर्तमान स्थिति ये है कि सरकार को 31 जनवरी को ही सभी जगह ज्ञापन दे दिया गया था। सभी जगह सरकार हर बार कहीं ना कहीं आपको आश्वासन दे रही है और आप लोगों की नियुक्ति को सुन नहीं रही है। बिल्कुल, नियुक्ति नहीं सुन रही है तो ये सच्चाई है। और देखिए, अभी अगर देखा जाए, नियमता देखा जाए, तो 2016 के बाद से हर साल शिक्षक पात्रता परीक्षा होनी थी, तो पहले तो शिक्षक पात्रता परीक्षा होने रही है, जो हुई है वो भी आज सड़कों पर है, ये क्यों? आज एक सरकार एक एजुकेशन पॉलिसी को देखा जाए तो एजुकेशन पॉलिसी में है रेशियो है कि 35 बच्चों पर एक शिक्षक होने चाहिए, यहाँ पे 100 बच्चों पर 150 बच्चों पर एक शिक्षक है, वो सिर्फ एक औपचारिकता मात्र है शिक्षा व्यवस्था की, अदरवाइज बच्चे शिक्षित नहीं हो रहे, क्योंकि शिक्षक के पास बहुत
सारे काम हैं और वो बच्चों को पढ़ाना छोड़ करके उन सारे कामों में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे शिक्षकों की आवश्यकता है। केंद्र सरकार भी बार बार राज्य सरकार को कह रही है कि आप शिक्षक नियुक्ति कीजिए, शिक्षक नियुक्ति कीजिए। शिक्षक नियुक्ति अभी तक नहीं हो रही है। ये सरकार के लिए शर्मिंदगी वाली बात है कि सरकार शिक्षक सड़कों पर है और वो चैन से अपने ऐशोआराम की जिंदगी जी रहे हैं। शिक्षक नियुक्ति नहीं, हमारी 2012 के तहत झारखंड में मात्र 2 बार जेटेट की परीक्षा हुई, एक बार 2013 और दूसरी बार 2016। 2013 वाले को अधिकतम 13 काउंसलिंग के माध्यम से 13 बार नियुक्तियां ली गई, लेकिन 2016 वाले को एक बार भी मौका नहीं दी गई। हम लोग नियुक्ति खुलवाने के लिए 8 अक्टूबर 2020 से 22 अक्टूबर 2020 तक हम लोग बापू वाटिका मोराबादी मैदान में हम लोग आमरण अनशन रखे। सरकार हमसे वार्ता की, वार्ता में मुख्य रूप से सरकार के प्रतिनिधि के रूप में सुखदेव सिंह जो मुख्य सचिव वर्तमान भी है उनके साथ वार्ता हुई। उस वार्ता में हमारे साथ मुख्य शिक्षा सचिव भी राहुल शर्मा भी सम्मिलित है। उन्होंने कहा, मुख्य सचिव ने कहा कि आप हम लोगों को नियुक्ति करने के लिए अधिकतम 3 महीने का मौका दीजिए, लेकिन आज तक हमारी नियुक्ति नहीं हो पाई। वो 3 महीना क्या आज तक नहीं हुआ है? तो पहले भी पारा शिक्षकों ने कई बार धरना प्रदर्शन किया है, तो क्या लग रहा है आपको इस बार आपकी मांगों को सुना जाएगा? मैडम, एक बात मैं कह देना चाहता हूँ, हम लोग पारा टीचर और गैर पारा दोनों संगठन मिलकर कर रहे हैं आज का आंदोलन दोनों संगठन। वैसे पारा टीचर जो जेटेट पास है तथा जो पारा टीचर नहीं है और जेटेट पास है, वो दोनों संगठन मिलकर पूरे झारखंड प्रदेश से मिलकर और हम लोग यह आज सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी नियुक्ति कर ली जाए। हमेशा से सरकार एक भी नियुक्ति नहीं कर पा रही है। आप गौर करें, जितनी भी नियुक्तियां हो रही है सरकार को न्यायालय का आदेश से कर रही है, न कि सरकार आज किसी भी नियुक्ति करने में विफल रही है। सरकार हम लोग का सरकार से यही है कि ये हम लोग के आखिरी आंदोलन होना चाहिए। वो हमारे जो है, जो हम अपना मैसेज देना चाहते हैं उसको सुने और हमारी सीधी नियुक्ति करें, क्योंकि 13 की जो जेटेट हुई थी उसमें 13 जो बार उसकी जो है काउंसलिंग की गई है, मगर हम लोग तो 2016 में पास किए हैं, हमारी एक बार भी काउंसलिंग नहीं की गई है। तो सरकार से हमारी यही विनती है कि इस बार जो है हम लोग को एक मौका दिया जाए और हमारी सीधी नियुक्ति की जाए। तो क्या लगता है आज आप जो घेराव करने वाले हैं, ऐसे में कई बार पारा शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन कर चुका है, फिर से आज आप एक बार फिर से आप ये त्राही माम यात्रा लेकर के सड़क पर आ चुके, तो क्या इस बार कहीं ना कहीं सरकार आपकी बातों को सुनेगा? हमें तो यही उम्मीद है कि इस बार कम से कम सरकार हमारी बात सुने, क्योंकि अब जो है चुनाव फिर से आने वाली है, इसलिए सरकार से यही उम्मीद रखते हैं कि ये आंदोलन हमारी आखिरी आंदोलन हो। कई यहाँ के अभ्यर्थियों से बात की, उन्होंने बताया कि हर बार सरकार ने उन्हें ठगने का ही काम किया है और इस बार जाकर के वो कहीं ना कहीं